हे दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए 43 इंचेस का एक UHD 4K टीवी जो है LG की तरफ से। दोस्तों, इस मॉडल में आपको बेसिकली क्या क्या चीज मिलने वाला है और क्या क्या चीज इसके टीवी के अंदर में मिलने वाला है, उसी को लेके आज का टॉपिक है। बेसिकली आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके टीवी के अंदर में क्या क्या है, उसके साथ साथ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसा पिक्चर क्वालिटी है, कैसा डिस्प्ले क्वालिटी है, कैसा साउंड क्वालिटी है, ये सारा चीज डिस्कस करेंगे आज हम आपके साथ। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जरूर से इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बने रहिए हमारे वीडियो में और लास्ट तक देखिए कि ये टीवी आपको बाय करना चाहिए या नहीं चाहिए, वो सारा कुछ आपके समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं टीवी के आउट ऑफ द बॉक्स। जो रियल 4K अल्फा 5 जनरेशन AI प्रोसेसर थिन क्यू वेबओएस और इसी के साथ न्यू 43 इंच 2023 का मॉडल 43UQ7550। इस मॉडल को लॉन्च किया गया तो 2022 में ही था, लेकिन मेरे पास जो मॉडल है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 2023 का। ये 13 फरवरी 2023 का प्रोडक्ट है। इसका अनबॉक्स MRP जो आता है वो कुछ 47990 में ये आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अब टीवी को ओपन करते हैं, देखते हैं इसका लुक कैसा है। मैं बेसिकली इस टीवी को बैक साइड से ओपन कर रहा हूँ ताकि ये खोलने में ज़्यादा आसानी हो। हम लोग शोरूम में हमेशा बैक साइड से ही ओपन करते हैं। और चलिए निकालते हैं और देखते हैं क्या क्या बॉक्स के अंदर में मिलता है। सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा दो टेबल स्टैंड जो लेफ्ट और राइट में लगाया जाता है। उसके बाद है पावर कॉर्ड और उसी के साथ साथ हमें रिमोट, वारंटी मैनुअल और उसके साथ बैटरी और पावर कॉर्ड मैनेजर, ये सारा कुछ इसके अंदर भी देखने को मिल जाता है। चलिए इसको भी ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। अगर रिमोट की बारे में बात करें तो ये रिमोट बेसिकली स्क्रॉल, क्लिक और पॉइंटर के साथ आता है। इसमें आपको ढेर सारा हॉट कीज भी देखने को मिल सकता है। इसी में आपको स्लिम लुक डिज़ाइन और इसमें 1 से 0 तक जो भी बटन है उसको भी आप हॉट की में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हाथ के ग्रिप के लिए काफ़ी शानदार डिज़ाइन के साथ बनाया गया है। अब बात करते हैं इस टीवी के लुक को लेके। वैसे तो ये टीवी दूसरे टीवी से थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये जो टीवी बनाया गया है ये बैकलाइट LED डिमिंग के ऊपर बेस करके बनाया गया है। अगर बेजल की बात करें तो इस टीवी में लगने वाले बेजल भी काफ़ी थिक है दूसरे टीवी के मुकाबले, लेकिन शानदार है। अगर टीवी को आप नीचे से देखेंगे तो आपको दोनों साइड में स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगा और उसी के सेंटर में आपको पावर बटन का भी ऑप्शन मिलेगा जो आप वॉल्यूम को अप एंड डाउन या फिर चैनल को नेविगेशन आप कर सकते हैं। अगर इनपुट्स की बात करें तो आपको सबसे पहले तो एंटेना और केबल कनेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। बैक में आपको HDMI 3 का भी ऑप्शन मिल जाएगा, उसी के साथ LAN और फाइबर ऑप्टिकल भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पीछे में आपको AV-IN का भी ऑप्शन मिलेगा। दो HDMI है जिसमें से HDMI 2 ERC और ARC को सपोर्ट करता है, उसी के साथ USB का सिंगल पोर्ट मिलता है। अगर आप भी इस टीवी को वॉल में लगाएंगे तो इस तरह के दो स्क्रू आपको लगाना पड़ेगा और उसी के साथ AC-IN जो है यहाँ पर आपको पावर कॉर्ड अटैच करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको अटैच करके दिखाता हूँ। ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट को आप बेसिकली इस AC पोर्ट के अंदर में ऐसे पुश करने से आपका ये फिक्स हो जाता है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब बताता हूँ इसका पिक्चर क्वालिटी और इसका बेजल लुक के डिज़ाइन के हिसाब से काफ़ी सुंदर डिज़ाइन के साथ ये टीवी आता है। पिक्चर क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर बताऊँगा तो ये वेवओएस 2022 है और ये वेवओएस 2022 जो है अल्फा 5 जनरेशन AI प्रोसेसर के साथ आता है। जो आप किस तरह के पिक्चर क्वालिटी देख रहे हैं, किस तरह का साउंड क्वालिटी देख रहे हैं, उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करता रहता है।
और इस टीवी में सबसे जो बेस्ट बात है, इसी के इस रेंज में आपको बेसिकली गूगल असिस्टेंट, अमेज़न एलेक्सा और उसके साथ साथ थिंकक्यू एआई का फैसिलिटी भी मिल जाता है। इस टीवी में आपको बेसिकली आईपीएस डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, जो आप किसी भी एंगल से इस टीवी को अगर देखेंगे तो आपका किसी भी तरह के कलर डिस्टॉर्शन की कोई चांसेस नहीं है। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इसका पिक्चर क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया है। चलिए मैं आपको इस बार इसका साउंड क्वालिटी दिखाता हूँ कि आपको साउंड क्वालिटी कैसा लगता है। इस टीवी में आपको डॉल्बी डीटीएस वर्चुअल साउंड का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जो वर्चुअली 5.1 का सराउंड साउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आगे भी आपको इसी तरह के नए नए कंटेंट, नए नए टीवी के ऊपर वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।